Hello everyone, welcome back to today's vlog. So guys, today is our third day in Dubai and today we have decided to explore downtown area which is most popular area in the Dubai. So last time जब हम आए थे तो हम लोग activities में इतना involved थे कि जो हमने actual beauty है दुबई की वो उतनी explore नहीं की थी. But this time हमने सोचा है कि अभी तो आज तो हम अपने जाएंगे दुबई मॉल explore करेंगे, मॉल ऑफ एमिरेट्स देखेंगे एंड वहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे. देन जो बाहर की लोकेशंस है, बाहर की जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उस सबको मजा लेंगे. सो कू तो बिजी है नानी की बनाई हुई नमकीन खाने में और ये बिजी है अपने न्यू चैनल को प्रमोट करने में, है ना. मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा शेयर किया है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है. हाँ. उनको थैंक यू कर रहा हूँ. थैंक यू तू ज्यादा मत बन, तेरे को ज्यादा स्टाइल आ रही है ना. बोला नहीं है किसी को, तो बोलूंगा ना. ओके, आर यू एक्साइटेड टू एक्सप्लोर डाउनटाउन एरिया? दोनों मुझे भी घुमाएंगे. बिल्कुल, देख रहे हो कितने टेंशन फ्री हैं और मेरे चेहरे पर देख रहे हो कितने टेंशन हैं. क्यों है टेंशन है ना, खुद तो 12 प्रो मैक्स खरीद के बैठे हुए हो, है ना, और जो चेहरे की खुशी है वो तो पता ही है, और मतलब टेंशन तो बस नाम की है. पहले बताओ अच्छा लग रहा हूँ. सो आउटफिट ऑफ द डे दिखा दो. आउटफिट देखो, आउटफिट इनपुट. सो आउटफिट ऑफ द डे इज व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स एंड ये कौन से शूज है? वो फटी हुई, मैं कितना गरीब हूँ. अच्छा क्यों? ये देखो, देख रहे हो? हाँ. ये देखो फटा हुआ, ये फटा हुआ है. ये मेरे ससुराल से आया था पैंट. ज्यादा एक्टिंग मत किया करो. सो माय आउटफिट ऑफ द डे इज दिस एंड कूज आउटफिट इज सुपर क्यूट. तो बस अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे और आज आपको एक दिखाएंगे. चलो लेट्स गो. ओके, इट्स टाइम फॉर गुम्मी गुम्मी. ओपन. द नेक्स्ट स्टेशन इज मॉल ऑफ द एमिरेट्स. गाइज, इट्स अ मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल जिसके अंदर 630 रिटेल स्टोर्स और 100 से भी ज्यादा कैफेज और रेस्टोरेंट है. एमिरेट्स एज वन ऑफ द टॉप 5 शॉपिंग मॉल्स इन दुबई. हैप्पी बर्थडे चिकू दीदी. सो गाइज, वी आर राइट नाउ सिटिंग इन द मेसिमो कैफेटेरिया और जो कि मॉल ऑफ एमिरेट्स में ही है. एक्चुअली जब हम लोग घूम रहे थे अभी तो क्या हुआ, क्रूज हो गई घूमते घूमते, तो मेरे दोनों बंदे टूट चुके थे बुरे हाथ से, उसको पकड़ के और इनके भी बुरे हाल थे. तो एक्चुअली क्या हुआ, हमने एक दो कैफेटेरिया और देखे बट वहाँ पे जो सीट्स थी वो रिजर्व थी और उन्होंने ज़्यादा मतलब इतना जेस्चर भी अच्छा शो नहीं किया कि हमें एक सीट अरेंज कर दी जाए. बट इस कैफेटेरिया में, मेसिमो कैफेटेरिया में, इन्होंने हमें एक अच्छी सी सीट अरेंज कर दी जबकि यहाँ पर अदर सीट्स ऑल आर रिजर्व. सो इस कैफेटेरिया में बैठने के लिए हमने खर्च किए हैं 1100 रुपीज़. और वो क्यों खर्च किए हैं, मैंने दो कॉफ़ी पियेंगे और एक पेस्ट्री आएगी 1100 रुपीज़ में, और वो खर्च करने के पीछे वजह जो है वो ये है. ये देखिए मैडम सो गई है. अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या, घूमते घूमते ना क्या हुआ, मुँह को नींद आ गई और वो सो गई. तो फिर हमने बोला अब क्या करें, इससे बेटर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इस कैफेटेरिया में बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं और थोड़ी देर बाद तो उठ ही जाएगी, फिर मज़े से घूमेंगे. तो गाइज़, ये है स्की दुबई जो कि मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर ही है, और अगर आपको इसका स्नो पार्क एक्सपीरियंस लेना है तो उसके लिए आपको 150 AED खर्च करने होंगे. इट मीन्स जब हम लोग आए थे तब हमने 3500 रुपये का ये बुक किया था. स्पेशली बच्चे बड़े सबको ये काफ़ी मज़े आते हैं. तो आज हमने प्लान किया था कि आज हम मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई मॉल और जो लोकल साइट सीन्स होते हैं वो सारा इन्जॉय करेंगे, बट मॉल ऑफ एमिरेट्स में सारा टाइम निकल गया, शॉपिंग में टाइम निकल गया और इतने सारे स्टोर्स देखने के बाद जाके एक दो चीज़ें ली हैं अपने लिए जो मतलब खुद को मतलब फिटिंग एंड ऑल जो खुद को पसंद आती है. होता तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है बट अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर बॉडी टाइप आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें खरीदते हो.
तो फाइनली शॉपिंग डन हो चुकी है। अब सोच रहे हैं कि जो दुबई मॉल का फाउंटेन शो है वो हम इंजॉय कर ही ले। दुबई मॉल में तो आज मतलब हम दुबई मतलब बुर्ज खलीफा के साथ इतने मतलब अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, बट हमने सोचा है कि जो फाउंटेन शो है उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, और वो भी अदर साइड से जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है, और नाइट में तो मतलब मज़ा ही है जिसमें दुबई लाइफ का, मैं क्या कहूँगी। तो अभी लेट्स सी आपको नज़ारे दिखाते हैं। दिस इज द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे लास्ट टाइम मेरा मोबाइल गुम हो गया था, और लकी मैं इतनी लकी थी कि मुझे मोबाइल मिल भी गया। एक्चुअली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक पब्लिक प्लेस पे आपका फ़ोन गुम हो जाए और फिर देन वो आपको मिल भी जाए। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने यहाँ पे अपना पर्स रखा था और मैं अपने शू लेस बांधने लगी और जस्ट फोन बगल में रखा, तो पति देव ने बोला कि जल्दी करो, मैं जल्दी शू लेस बांधे, बैग उठाया और जल्दी फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन यहीं रह गया। फिर जब हम ऊपर गए एप्पल स्टोर पर, तो वहाँ जो हमने देखा कि यार फ़ोन तो है ही नहीं, फ़ोन कहाँ है। फिर जब मैं नीचे आई दोबारा, फिर मैंने देखा तो मुझे याद आया कि अच्छा वहाँ रह गया है और यहाँ अभी लड़की रह जाएगी। नहीं नहीं, ये कैसे रह जाएगी। अच्छा, फिर जब हम नीचे आए तो हमने देखा कि यार फ़ोन गया, तो क्या। फिर हमने यहाँ के डिपार्टमेंट से भी पूछा, तो उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। तो फिर हमने जाके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट लिखा दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे हमारे होटल में एक मेल आया कि आपका मोबाइल मिल गया है और आप रिसीव कर सकते हो दुबई मॉल से। तो मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। एक्चुअली मैं बताऊं गाइस, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक पब्लिक प्लेस पे आपको कोई चीज़ गुम हो जाए और वो फिर दोबारा आपको मिल जाए। अनबिलीवेबल, आइस स्केटिंग भी होती है यहाँ पे। Please give it to mama.